तो गाइस ये है आरिफ का सारस, और यहाँ पे टांग भी देख सकते हैं, जाल में बंद है तो सही नहीं आ पा रहा। ये देखो, तो गाइस ये है दरियाई घोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब लोग देख ले कैसा देखा, चलो आए रहो बिचारो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कानपुर और आए हैं सारस से मिलने, क्योंकि आरिफ भाई का सारस है वो इधर ही है, आए हैं उससे मिलने। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। आई होप ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और राधा दीदी भी यहाँ पे हमारे साथ में हैं, और देख सकते, और एक गेट ये है, ये पीछे है, तो चलिए आगे चल। तो गाइस आ चुके हैं अंदर, और अंदर का कुछ व्यू इस तरीके का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी है, जिसकी जो सोनू भाई के कैमरे थे उनके लिए 100-100 रुपये का टिकट लगा है, इसका मतलब यहाँ पे सारस की वजह से रे बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अभी तो कोई देखने के लिए नहीं मिला है, और बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये आए हैं पक्षी वगैरह, बत्तख वगैरह, लेकिन ये तो हम घर में देखते ही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी भरो, तैर रही हैं पानी, देखो टोटी तो चल रहा हुआ है, और ये तैर रही हैं बदकें, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं और तैर रही हैं, ऐसे जैसे इंसान का तैर पाई है जैसे जानवर तैर रहे हैं, लेकिन ये पानी वाले जानवर हैं जो तैर रहे हैं। कौआ देखो चुन रहे हैं आराम से, आगे चल रहे हैं, फिर और दिखा रहे जो कछु मिले सो दिखाई दिए, देखे कौन कौन पक्षी हमें दिखाई दिए आज। गाइस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला ये डायनासोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और लेकिन है नकली, कोई असली नहीं है ये, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नकली है, और कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैठे ले बाजा जा रही, देखो दाब लई आराम तो दाब के बोतल जा रही है। तो गाइस इधर हैं बाघ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगाई गई ये पहले ही नोटिफिकेशन, ये देख सकते हो बाघ, चीता, शेर, ये देख सकते हैं। कैंटीन, तेंदुआ, गोंडा, देसी भालू आगे देखने को मिलेंगे, बने रहिए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पर देखिए ट्रेन की पटरी भी है, कितनी पतली है, जो कि पहाड़ी से भी बहुत ज़्यादा पतली है। यहाँ पे हैं भालू, लेकिन गर्मी की वजह से सभी छुपे पड़े हैं। ये यहाँ पे आप देखिए भालू को दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। सब लोग देख ले कैसा देखा, चलो आए रहो बिचारो, आप रहो गाने के मार है, देखो भैया कितने बास है, देखो चक्कर काट रहे हो, आप रहो गाम के मार है, अरे आओ भैया आओ, कहाँ जा रहे हो, देखा बिचारो परेशान है। तो गाइस देखिए वो आ गया भालू, यहाँ पे आप देखिए, पहले एक बार गया था फिर दूसरा के आया, कहाँ जिनके ब्लॉग नहीं बन पाए वो और बना लो। हाय, पानी में घुसा हुआ है, कौन मारो जानवर बताओ, दरियाई घोड़ा भैया देखा पानी पी रहा हूँ। तो गाइस ये है दरियाई घोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो भैया देख ले भैया जो आज दरियाई घोड़ा, जय हो तो भैया, देखो पहले हम तो इतना बड़ा जानवर कभी ना ही देखो, तो बाहर निकल लो है। अनायक बाहर निकल रहा हूँ, तो सुअर जी तो लग रहा हूँ तुमका है। पानी में लोटत रहते यही मैं, देखो भैया जे ही होत एकदम सुअर जैसे लग रहा हो, जैसे पानी खवाई जाता ललौरी की। तो गाइस इधर चल रहे हैं, और इधर है सारस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है कहाँ इसमें ये या नहीं, बाकी एक सारस तो दिख रहा है यहीं से, शायद आप देख ही पा रहे होंगे, भाई पास में चल के दिखाते हैं।
तो गाइस ये है वो सारस, ये है वो सारस जो आरिफ का है। आरिफ का सारस जो है यही है, उसमें निकाल लेना कैमरे में। ये आरिफ का सारस, ये है आरिफ का सारस। और यहाँ पे टांग भी देख सकते हैं, जाल में बंदे तो सही नहीं आ पा रहे हैं। ये देखो चोंच मार रहा है, ये देखिए गुस्सा आ रही है बहुत ज्यादा एकदम। देखिए ये देखिए, ये देखो अब वो आ रहा धीरे, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कैद करके रखा हुआ है। और जैसे आरिफ का नाम ले रहे हैं ना, ये देखिए एकदम देखो ऐंठ रहा है एकदम गुस्से। ये देखो आरिफ आ रहे, ये देखो आरिफ आ गए, देख रहे हो आरिफ का नाम भी आ गया। गाइस आरिफ का नाम लेते खन्ना एकदम से ही चौंक जाता है, ये देखने लगता है बेचारा ना बेचारा। सारस से मिल चुके हैं और देख सकते हैं कहाँ वो कितने परेशान था। और बढ़ रहे हैं आगे, बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई जानवर पक्षी जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ दिखाएंगे सब में। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन दोपहर थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो कोई भी जानवर बाहर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से ना कोई जानवर बाहर नहीं आ रहा था, तो कमी देखने के लिए मिले। बाकी जो भी कुछ था वो सारा कुछ आप लोगों के लिए दिखाया। आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।